आई होप भाभी वॉचेस दिस वीडियो. चंदोर है. तो हम लोग वहाँ पे आगे चर्च को गए थे, तब वहाँ पे वीडियो किया था. इसके कॉर्नर में एक चर्च है, तब बहुत बढ़िया था. अभी यहाँ पे है, यहाँ पे पहले जब फैमिली के साथ आए थे तब फोटोशूट वगैरह यहाँ पे किया था. तो ये कुछ ऐसे दिखता है. तो पूरे कोकोनट ट्रीज है यहाँ पे, बाबा है और भाई है. थोड़ी देर यहीं पे रुकेंगे. अगर ड्रोन होता यहाँ पे तो मतलब सीन ही कुछ अलग होता, लेकिन अपना. तो हम लोग हैं अभी पर्रा में. अभी भाई मतलब एकदम से पोज में, एकदम से मूड में, आर1 लिए हुए. या फिर मतलब जो भी फीमेल फैन फॉलोइंग थी भाई की. आई होप भाभी वॉचेस दिस वीडियो. चंदोर है. कट 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 प्लीज लाइन. प्लीज प्लीज कॉल हिम. नोड़ी नोड़ी इज रनिंग अवे यहाँ पे, क्योंकि भाई मतलब अभी सेपरेट सेपरेट घूम रहे हैं. पूरा मतलब हाँ पूरा वाइब में आर1 लेके बनियन पे शेड्स पहन के मस्त व्लॉगिंग चल रहा है उनका. हाँ तो ये देखो ये भाई का सेटअप है. तो मैं एक्चुअली ये हेलमेट दिखाना चाहता था, लेकिन एक बढ़िया वाले लोकेशन का वेट कर रहे थे हम लोग. तो ये पीछे लोगो है, मस्त किया है RLZ रेव लिमिट्स ने किया है इसको. तो ये उनका लोगो डाला है यहाँ पे. और ये पूरा लाइट है, आपने अभी तक देखा रहेगा इंस्टाग्राम पे भी बहुत बार डाला था. यहाँ पे थोड़ा सा विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पे उनका लोगो है और यहाँ पे हम लोगों ने GoPro माउंट किया है. तो GoPro का बहुत बड़ा कांड हो गया था, तो उसके बाद हम लोगों ने जो MCL वाला माउंट है उसको कर दिया. और इस तरफ हम लोगों ने डाला है सेना. और ये जो भी वाइट लाइन्स आपको दिख रहे हैं ये पूरे लाइट्स है जो रात को मस्त दिखते हैं. और ये इसका जो कलर है ऊपर का, ये मतलब ये कैमिलियन टाइप का कलर है, पर्पल शेड में. हर एक तरफ दूसरा कलर दिखता है अगर आप देख सको तो, इफ़ कैमरा इज़ मेकिंग जस्टिस. तो ये पूरा हेलमेट है, मैं नहीं दिखाया था तो एक बार सोचा कि दिखा दूँ. तो अभी यहाँ पे एक फैमिली मिली थी हमें, वो फ़ोटो लेना चाहते थे गाड़ी के साथ. हम लोगों ने भी बोला थी कि हमारे लिए भी एक फ़ोटो ले लेंगे करके. तो दे वर स्वीट इनफ टू गिव अ पिक्चर. तो अभी जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे. एक्चुअली वहाँ पे चर्च है, चर्च के पास जा रहे हैं अभी. एक्चुअली अंदर चर्च है. इस तरफ हम लोग एक बार गए थे पर्रा के एंड में चर्च के पास. यहाँ पे थोड़े भाई लोग हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि अंदर जा सकते हैं करके. तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर. तो अभी यहीं पे सब वो बोल रहे थे कि अंदर ये खाली रहेगा करके. तो ये है एंस चर्च. प्रॉबेबली हम लोगों को यहीं पे पार्क करना पड़ेगा. एंस चर्च यहाँ पे पहले आए थे, लेकिन अंदर भी गए थे लेकिन वीडियोज़ अब नहीं बनाया. तो हम लोग चर्च को चलते हैं. तो चर्च वहाँ पे है और यहाँ पे पार्किंग है. ये पर्रा पंचायत, टू व्हीलर्स ओनली, वी हैव पार्क्ड. तो यहाँ पे जब आप पर्रा हो गए, पर्रा के कॉर्नर में आपको एक चर्च दिखाई देगा. तो हम लोग अभी ये चर्च पे हैं. बहुत पीसफुल लोकेशन है. यहाँ पे गाड़ी बाहर पार्क किया था हम लोगों ने और ऐसे ही अंदर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं स्वप्निल का. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बस एक रिलीजन टाइप फॉलो करते हैं, हम लोग पूरा सेक्युलर है. तो इसलिए हम लोग ट्राई भी करेंगे कि हम लोग अगर हो सके तो गुरुद्वारा मॉस को भी विज़िट करें. लेकिन गोवा जैसे कि आप लोगों को सबको पता है,
रूल किया था पोर्चुगीज ने, तो उन्होंने ये चर्च का ट्रेंड भी बहुत स्टार्ट किया था, तो इसलिए गोवा आए तो चर्च तो बनता ही है। और ये वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल चर्चेस है यहाँ पे, और भी बहुत सारे चर्चेस हैं, लेकिन इस लोकेशन में हम लोगों ने वेट किया था। बहुत बार हम लोग पढ़ा आते थे लेकिन कभी भी चर्च के अंदर नहीं आए थे, तो इस टाइम सोचा कि यहाँ पे थोड़ा पार्क करके ना ब्लॉग भी कर लेते हैं। एकदम पीसफुल लोकेशन था। अभी वापस जा रहे हैं, स्वप्निल अभी आएंगे 10-15 मिनट में करके बोला उन्होंने, तो मैं तब तक ना इसको M से L कर दूंगा। L करने के बाद ये सेट हो जाएगा L पे, नहीं तो L लग जाते हैं भाई। तो अभी यहाँ से चलने का टाइम है। आई होप यू हैव एंजॉयड द व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अगर नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।